हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर आज हम एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से इससे पहले वाले वीडियो में हमने फोर पॉइंट टू एक्सरसाइज को पढ़ा था जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड आउट करने सीखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आज हम क्वाडेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना सीखेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्र मैथड तो देखिए सबसे पहले इसके एल्गोरिथम कर लेते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे उसके बाद फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे तो देखिए सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वेयर जैसा आपको मालूम है मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी ये बता दिया था आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है उसकी जर्नल फॉर्म होती है ए एक्स स्क् प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो जहां पर ए की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकती क्यों अगर एक्स का कॉफिशियंट जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहकर क्या रह जाएगी लीनियर रह जाएगी तो सबसे पहले जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेंगे हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो सबसे पहली स्टेप आपकी फर्स्ट स्टेप क्या है मेक द कॉफिशियंट ऑफ एक्स यूनिटी बाई डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए टू गेट जो भी आपको क्वाडिटिक इक्वेशन दी गई है उसमें सबसे पहले आपको एक्स केयर का कोफिशियंट वन करना है और एक्स केयर का कोफिशियंट वन कैसे आएगा दोनों तरफ हम उसी टर्म से डिवाइड कर देंगे जो यहाँ पर एक्स स्यर काफिशियंट होगी फॉर एग्जाम्पल इधर जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ जो इक्वेश लिया हुआ इसमें एक्सकेयर काफिशियंट ए है तो दोनों तरफ हमने किससे डिवाइड किया ए से तो ए एक्स स्क्र को ए से डिवाइड करोगे तो आपको ए से ए कैंसिल हो जाएगा एक्स स्केर मिलेगा बी बाय ए एक्स प्लस और सी बाय इज़ इक्वल टू जीरो अगर फर्स्ट कीजिए आपके पास इक्वेशन होती थ्री एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो तो आप इसको किससे डिवाइड करते हैं थ्री से क्योंकि यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है थ्री है तो फर्स्ट स्टेप समझ आ गई सभी को कि जो एक्स के रेक है उससे पूरी टर्म्स को आपको क्या करना है डिवाइड करना है सेकेंड स्टेप है ट्रांसपोज द कॉन्स्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड टू गेट जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है आपके जैसे यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है आपके सी बाय इसको आपको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है तो सी बाय प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस के सी बाय तो ये स्टेप है। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया एक्सर कॉफिशियंट वन करना है सेकेंड स्टेप में कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाना है और थर्ड स्टेप क्या है एडिंग जो भी यहां पर एक्स काफिशियंट है उसके हाफ का स्केयर एड करना है अब यहाँ पे आपके पास का कोफिशियंट है b बाय और बी बाय का अगर आप हाफ करेंगे तो इंटू में वन बाय टू और इसका होल स्केयर तो बी की वन से मल्टीप्लाई बी ए की टू से मल्टीप्लाई टू ए और इसका क्या हो जाएगा होल स्केयर तो आपको क्या मिलेगा बी बाय टू ए का होल स्केयर तो दोनों तरफ आप किसको ऐड करेंगे बी बाय टू ए का होल स्केयर दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया अब फोर्थ स्टेप क्या होगी अब ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या फॉर्मूला बना ये आपका ए प्लस बी का होल स्केयर बन जाएगा आपका कैसे बना देखिए अगर मैं इसको एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्केयर लिखता हूँ तो ये बनेगा ए स्क्यर इट मीन्स एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र अपो इट मीन्स बी बाई टू ए का स्क्र प्लस टू ए बी टू इन टू एक्स इंटू बी बाय टू ए अब टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे बी एक्स बाय ए मिल जाएगा तो आप देखें यहां पर भी आपको एक्स स्केयर प्लस में बी बाय टू ए का होल स्केयर प्लस बी बाय ए एक्स दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला बन आप फॉर्मूला बन जाएगा आपका किस चीज का एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्केयर इज इक्वल टू अब बी बाय टू ए का होल स्केयर है तो बी स्केयर प्लस डिवाइडेड बाय क्या आएगा टू का स्केयर फोर ए का स्केयर ए स्केयर तो बी स्केयर बाय फोर ए स्केयर माइनस सी बाय ए अब एलसीएम क्या आएगा इसका फोर ए स्केयर फोर ए स्क्र को फोर ए स्केयर से डिवाइड कीजिए क्या मिलेगा आपको वन वन के अगर आप बी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बी स्क्र माइनस फोर ए स्केयर को अगर ए से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा फोर ए फोर ए की सी से मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा फोर ए सी तो आपको क्या मिल गया बी स्केयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय फोर उसके बाद टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड दोनों तरफ स्केयर रूट लीजिए अब इसका अगर आप स्केयर रूट करेंगे तो स्केयर रूट से स्केर कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू ये क्या आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी अपन फोर ए स्केयर फोर ए स्केयर स्केयर रूट से बाहर आकर क्या मिलेगा टू ए टू ए मिलेगा आपको ये मिस प्रिंट है यहाँ पे इससे बाहर आकर या तो ये क्या आएगा टू ए का होल स्केयर इधर क्या आएगा टू ए का होल स्केयर अब ये स्केयर रूट से बाहर आकर क्या मिल जाएगा आपको टू ए मिल जाएगा उसके बाद जो आपके पास इधर से क्या रहता है अब x प्लस एक्स प्लस बी टू ए था अब x को इधर रखिए b बाई टू ए राइट एंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का b बाय टू ए और प्लस माइनस जो आपका ये बचा हुआ था क्या है प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए हो जाएगा क्योंकि क्या हो जाएगा टू ए हो जाएगा और एक्स एजिकल टू क्या मिल जाएगा आपको माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स बी स्केयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए तो आपके यहाँ से टू दो रूट्स मिल जाएंगे आपको टू रूट्स मिलेंगे एक तो एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए और दूसरा मिलेगा आपको माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ये दो रूट मिल जाएंगे आपको यहां पे तो यही आपका कंप्लीटिंग स्केयर मेथड था चलिए अब इसके बेस पे अगर हम अब एक एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो सके देखिए सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाइन एक्स स्केयर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्केयर कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से आपको इसको क्या करना है सोल्व करना है तो नाइन एक्स स्केयर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस टू जीरो सबसे पहली स्टेप मैंने क्या बताई थी आपको कि x square का coefficient आपको क्या करना है यूनिटी करना है वन करना है तो यहां पर एक्स का काफिशियंट नाइन है तो दोनों तरफ आप, आप किससे डिवाइड कर देंगे नाइन से तो नाइन से नाइन कैंसिल माइनस फिफ्टीन बाय नाइन एक्स प्लस सिक्स बाय नाइन इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा आपको उसके बाद फिफ्टीन बाय नाइन ये थ्री के टेबल से कैंसिल हो जाएगा थ्री फाइव जो थ्री थ्री ज़ा तो फाइव बाय थ्री एक्स प्लस ये थ्री टू जॉ सिक्स थ्री थ्री ज़ा नाइन टू बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो सेकेंड स्टेप मैंने बताई थी जो कॉन्स्टेंट रम है उसको राइट एंड साइड पर शिफ्ट करना आपको यहाँ पर आपके पास प्लस टू बाय थ्री है राइट एंड साइड पर जाके माइनस के टू बाय थ्री हो जाएगा थर्ड स्टेप हमने क्या पढ़ी थी जो एक्स का कोफिशियंट है उसके हाफ का स्केयर दोनों तरफ ऐड करना है अब यहां पर क्या है? आपके पास माइनस फाइव बाय थ्री है माइनस फाइव बाय थ्री का अगर आप हाफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस फाइव बाय सिक्स और इसका होल स्केयर तो क्या जाएगा आपके पास अब नेगेटिव का स्केयर तो पॉजिटिव ही होता है तो आप इसको फाइव बाय सिक्स का होल स्केयर भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू फाइव सिक्स का होल स्केयर दोनों तरफ ऐड करना है हाफ ऑफ एडिंग हाफ ऑफ कोफिशियंट ऑफ स्केर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड उसके बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो ये नेगेटिव वाला फार्मूला बनेगा पॉजिटिव का था तो पॉजिटिव वाला तो ये बनेगा एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स का होल स्केयर अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यही कंप्लीट स्टेप मिलेगी यहाँ पे उसके बाद फाइव का स्केयर ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स का स्केयर थर्टी सिक्स माइनस टू बाय थ्री अब आप एलसीएम लीजिए थर्टी सिक्स और थ्री का एलसीएम आएगा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स को थर्टी सिक्स से डिवाइड करेंगे वन मिलेगा वन के ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी सिक्स को थ्री से डिवाइड कीजिए ट्वेल्व मिलेगा ट्वेल्व के टू से मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर मिल जाएगा आपको अब ट्वेंटी फाइव में से ट्वेंटी फोर लेस कीजिए वन अपॉन थर्टी सिक्स अब एक्स माइनस फाइव आ गया उसके बाद क्या करेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड अब इसका स्केयर रूट करेंगे स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल एक्स माइनस फाइव इज सल टू प्लस माइनस वन बाय सिक्स क्योंकि वन का स्केयर रूट वन थर्टी सिक्स का स्केयर रूट सिक्स आ जाएगा अब ये माइनस के फाइव बाय सिक्स राइट हैंड साइड बाई शिफ्ट हो गया प्लस के फाइव बाई सिक्स हो जाएगा तो एक्स इज टू फाइव बाय सिक्स प्लस माइनस वन बाय सिक्स अब आपके पास दो रूट मिल जाएंगे x एक्स इजल टू फाइव बाई सेंगे एल सी एम सिक्स वन आ जाएगा इधर भी एलसीएम सिक्स फाइव माइनस वन फोर फोर बाय सिक्स यानी टू बाई थ्री तो रूट्स ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएंगे वन एंड टू बाय थ्री आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कंप्लीटिंग स्केयर मेथड तो ये कंप्लीटिंग स्केयर मेथड था और इसके बेस पे एक एग्जाम्पल था तो अब नेक्स्ट हम मेथड पढ़ेंगे दूसरे वाला मेथड क्या है इसमें अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर इसको आप श्रीधरचार्य मेथड भी बोल सकते हैं क्योंकि तो श्रीधरचार्य जी ने इसको दिया था इसलिए इसको श्रीधरचार्य रूल्स भी बोलते हैं तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ जाता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड आपको प्रूफ करना है तो ये बिल्कुल कंप्लीटिंग स्केर से ही होगा जैसे हमने ऊपर कंप्लीटिंग स्केर को किया है तो देखिए कैसे करेंगे इसको सबसे पहले तो आपको क्या करना है जो जनरल टर्म्स है आपकी वो ले लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर इज नॉट इक्वल टू जीरो उसके बाद का कोफिशिएंट वन कीजिए इधर ए है तो ए से डिवाइड जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था तो ए से डिवाइड किया दोनों तरफ उसके बाद जो कॉन्स्टेंट टर्म है सी बाय उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है फिर हाफ ऑफ कॉफिशेंट ऑफ एक्स का के दोनों तरफ ऐड करना है तो क्या हो जाएगा बी बाई ए का हाफ क्या होगा बी बाई टू ए का होल स्केयर दोनों तरफ ऐड कर देंगे अब ये फॉर्मूला बन गया आपका एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्केयर इज इक्वल टू बी टू ए का होल स्केयर इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बीस अपन में फोर ए स्केयर माइनस सी बाई ए ये सब हम इससे पहले वाले कंप्लीटिंग मेथड में पढ़ चुके हैं अब इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा फोर ए स्क्र फोर ए स्केयर को फोर ए स्केयर से डिवाइड करेंगे तो वन वन के बी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीस स्केयर माइनस फोर ए को ए से डिवाइड करेंगे फोर ए फोर ए की सी से मल्टीप्लाई करेंगे फोर ए सी टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड अब दोनों तरफ स्केयर रूट करेंगे तो स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल एक्स प्लस बी बाई टू ए रह जाएगा इधर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए क्योंकि 4a, का होल लिख सकता हूं इसको टू ए का होल स्केयर का स्केयर रूट क्या आएगा टू ए आ जाएगा इधर से प्लस के बी बाई टू ए उधर जाके माइनस के बी बाई टू ए हो जाएगा अब टू ए एल्सियम क्या रहेगा आपके पास माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी तो इसके टू रूट्स कौन कौन से हो गए टू जीरो माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी, बी देखिए हमारे पास क्या था एक्स इजल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड टू ए तो जो ये बी स्केयर माइनस फोर ए सी है इसको हम किससे डिनोट करते हैं डी से डी मीन्स क्या होता है डिस्क्रीमेंट और ये डिस्क्रीमेंट ही डिसाइड करता है कि आपके रूट्स रियल आएंगे या इमेजनरी आएंगे क्योंकि डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए और यू कैन से अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए डी यानी बी स्केयर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रूट्स कैसे आएंगे रियल रूट्स आएंगे डी की वैल्यू जीरो हो या पॉजिटिव हो क्योंकि स्केयर रूट में पॉजिटिव वैल्यू या जीरो जीरो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो या तो रेशनल आएगा या फिर इेशनल नंबर आएगा अब उसके बाद अगर D के वैल्यू बी स्केयर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आ जाए तो आप क्या बोलेंगे इट हैव नो रियल रूट यानी कि स्केयर रूट में अगर नेगेटिव में आ जाए जैसे रूट ऑफ माइनस टू आ जाए तो रूट ऑफ माइनस टू जो है वो रियल नंबर नहीं होता या इमेजनरी नंबर होता है आगे हम प्लस वन में पड़ेंगे ये तो इसको बस आपको ये याद रखना अगर डी के वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो आप क्या बोलेंगे इट हैव नो रियल रूट और फिर क्वेश्चन वहीं पर छोड़ देंगे डिस्क्रिमिनेंट अगर रियल नहीं आता तो फिर उसके रूट्स फाइंड आउट हम नहीं कर पाएंगे रूट्स केवल कब फाइंड आउट होंगे जब डी ग्रेटर टू तो जीरो आएगा इट मींस जब वो रियल आएगा तो अब चलिए अब इन दोनों फॉर्मूले के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं इनसीआरटी बुक से एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री अब फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्केयर इसके रूट फाइंड आउट करने आपको बाय कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड से अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो फर्स्ट तो का फर्स्ट पार्ट देखिए टू एक्स स्क्र माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो आपको फर्स्ट स्टेप एक्स स्क् कोफिशेंट वन करना है या फिर इसने पहले कॉन्स्टेंट रूम को उधर ले गया तो कॉन्स्टेंट को भी ले जा सकते हो दोनों ही ठीक है तो ये कॉन्स्टेंट ट्रफ उधर शिफ्ट होगी प्लस के थ्री उधर जाके माइनस का थ्री हो जाएगा फिर एक्स केयर कोफिशियंट वन करना यूनिटी करना है तो क्या करेंगे दोनों तरफ एक्स के कॉफिशियंट से डिवाइड कर देंगे इधर आपके क्वेश्चन में एक्स केयर काफिशियंट क्या है टू तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू टू से टू कैंसिल एक्स स्केयर माइनस सेवन बाई टू एक्स माइन इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू थर्ड नेक्स्ट स्टेप क्या पड़ी थी फिर हमने जो एक्स का कॉफिशियंट है उसके हाफ का स्केयर दोनों तरफ ऐड कर दीजिए यहां पर हमारे पास x का कोफिशियंट क्या है माइनस सेवन बाई टू तो माइनस सेवन बाई टू का स्केयर अगर आप माइनस सेवन बाई टू का हाफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस सेवन बायर इसका स्केयर आप दोनों तरफ ऐड कर देंगे आप तो माइनस का स्केयर प्लस ही होता है तो सेवन बाय फोर का होल स्केयर दोनों तरफ क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो इधर आज आके क्या होगा प्लस सेवन बाय फोर का स्केयर इज इक्वल टू सेवन फोर का होल स्केयर माइनस थ्री बाय टू अब ये फॉर्मूला बन गया आपका एक्स माइनस सेवन बाय फोर का होल स्केयर क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यही टर्म्स मिल जाएगी अब सेवन का स्केयर फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाय फोर का स्केयर सिक्सटीन माइनस थ्री बाय टू फोर्टी नाइन बाय सिक्सटीन माइनस में थ्री बाय टू एल्सियम क्या आएगा सिक्सटीन सिक्सटीन को सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे वन वन की फोर्टी नाइन से मल्टीप्लाई फोर्टी नाइन माइनस टू एट जा सिक्सटीन और एट थ्री जा ट्वेंटी फोर फोर्टी नाइन में से ट्वेंटी फोर लेस करें ट्वेंटी फाइव बाय सिक्सटीन रह जाएगा आपका उसके बाद स्केयर रूट ऑन बोथ साइड एक्स माइनस सेवन बाय फोर हो जाएगा क्योंकि स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल फाइव का स्केयर रूट क्या होगा ट्वेंटी फाइव का स्केयर रूट क्या होगा फाइव और सिक्सटीन का क्या होगा फोर तो इधर क्या हो गया प्लस माइनस फाइव बाय फोर हो गया आपका अब जो कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस के सेवन बाय फोर इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लो ये क्या हो जाएगा प्लस के सेवन बाई फोर तो एक बार इसको प्लस लेके चलेंगे और एक बार माइनस क्योंकि प्लस माइनस फाइव बाई फोर था तो एक बार प्लस के फाइव बाई फोर लेंगे और एक बार माइनस के तो सेवन बाय फोर प्लस फाइव बाय फोर क्या रहेगा आपका फोर एलसीएम सेवन प्लस फाइव क्या हो जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व बाय फोर और फोर ये कैंसिल हो जाएगा कितने पे जाएगा फोर थ्री जै ट्वेल्व तो की वैल्यू क्या होगी थ्री और इन दोनों में फोर एल्सियम तो फोर को फोर से डिवाइड करोगे वन वन के सेवन से मल्टीप्लाई सेवन माइनस फोर वन जब फोर तो वन की फाइव से फाइव तो क्या रहेगा आपके पास टू बाय फोर इट मीन्स वन बाय टू तो ये आपका आंसर हो गया तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी थ्री और वन बाय टू ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया आपका अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए टू एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है फोर राइट इन साइड पे ले गए माइनस के फोर उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के फोर फिर एक्स के का ऑफिशियट क्या है टू तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू क्योंकि एक्स के का ऑफिशियंट क्या करना आपको वन तो टू को टू से डिवाइड करेंगे वन यानी क्या आ गया एक्स स्केयर प्लस एक्स बाय टू इट मीन्स वन बाई टू एक्स इज इक्वल टू फोर बाय टू क्या होगा टू नेक्स्ट स्टेप फिर एक्स के कॉफिशेंट के हाफ का स्केर दोनों तरफ ऐड करना है वन बाय टू का हाफ होगा वन बाय फोर तो एडिंग वन बाय फोर का होल स्केयर ऑन बोथ साइड तो एक्स स्केयर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाय फोर इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि टू वन जा टू 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 जा फोर वापिस वन टू एक्स ही मिल जाएगा मुझको प्लस में वन बाय फोर का होल स्केयर इज इक्वल टू टू प्लस वन बाय फोर का होल स्केयर ये फॉर्मूला बन गया क्योंकि सभी में प्लस का साइन है तो एक्स प्लस वन बाय फोर का होल स्केयर इज इक्वल तो टू टू प्लस वन 16, तो सिक्सटीन को वन से डिवाइड करेंगे तो सिक्सटीन सिक्सटीन टू जा थर्टी टू थर्टी टू प्लस वन थर्टी थ्री बाई बोथ साइड तो क्या आएगा x प्लस वन बाय फोर क्योंकि स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल थर्टी थ्री का स्केयर रूट थर्टी थ्री रहेगा सिक्सटीन का फोर हो जाएगा तो प्लस माइनस रूट ऑफ थर्टी थ्री डिवाइडेड बाय फोर अब प्लस के वन बाय फोर है राइट हैंड साइड पे जाके माइनस के वन बाय फोर हो जाएगा अब ये प्लस माइनस है एक बार प्लस की लेंगे टर्म्स और एक बार माइनस की तो ये क्या आएगा एक्स एजुगल टू रूट ऑफ थर्टी थ्री बाई फोर माइनस वन बाय फोर फोर एलसीएम क्या रहेगा आपके पास रूट ऑफ थर्टी थ्री माइनस वन और एक बार क्या ले लेंगे एक्स एजुगल टू माइनस रूट ऑफ थर्टी थ्री बाय फोर माइनस वन बाय फोर आंसर क्या मिलेगा माइनस रूट थर्टी थ्री माइनस वन बाय फोर ट इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन और जीरोज और रूट ऑफ गिवन क्वाडिटिक्वेशन बाई स्केयर प्लस फोर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो ये तो डायरेक्ट भी हो सकता है नहीं तो आप जैसे आपने किया था वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्या बना हुआ आपका कंप्लेटिंग स्क्वेयर ही बना हुआ है या फिर अभी जैसे हमने किया था वैसे भी कर सकते हैं फोर एक्स स्क् प्लस फोर रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा अब फोर एक्स स्यर ऑप्शन फोर है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय फोर तो एक्स स्केर प्लस रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस के थ्री बाय फोर फिर हाफ ऑफ कॉफिशेंट ऑफ एक्स का स्केयर दोनों तरफ ऐड करेंगे रूट बाय थ्री बाय टू का स्केयर ऐड कर देंगे ऐसे ही माइनस के थ्री बाय फोर प्लस वो क्या हो जाएगा थ्री बाय फोर ही हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा ये फॉर्मूला बन गया आपका एक्स प्लस रूट थ्री बाय टू का होल स्केयर इज इक्वल टू जीरो तो दो ही जीरोज जा आ जाएंगे इसके एक्स की माइनस रूट थ्री बाय टू और माइनस रूट थ्री बाय टू क्योंकि ये टू टाइम्स है तो एक बार एक्स प्लस रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू जीरो फिर एक्स प्लस रूट थ्री टू टू जीरो तो आंसर क्या मिलेगा एक्स इजल टू माइनस रूट थ्री बाय टू मिल जाएगा तो आप जो अभी ऊपर दोनों एक, जैसे क्वेश्चन किए थे दोनों पार्ट किए थे ऐसे भी आप कर सकते हैं बाई कम्पिंग के मैथड से या फिर डायरेक्ट भी एज यू विश फोर्थ पार्ट देखिए टू एक्स केयर प्लस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो तो राइट हैंड साइड पर कॉन्सेंटरम लेंगे माइनस फोर हो जाएगा एक्स कोफिशिएंट वन करना है दोनों तरफ एक्स कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे क्या है यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट टू तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू तो क्या आएगा ये एक्स स्केयर प्लस वन बाय टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वन बाई टू एक्स को मैं टू इन टू एक्स इंटू वन बाई फोर भी लिख सकता हूं क्योंकि टू वन जा टू 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 जा फोर हो जाएगा अब एडिंग हाफ ऑफ कोफिशेंट का स्केयर ऑन बोथ साइड तो एक्स काफिशियंट वन बाय टू वन बाय टू का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा वन बाय टू के हाफ का स्केयर करेंगे वन बाय टू का हाफ आएगा वन बाय फोर तो वन बाय फोर का स्केयर दोनों तरफ ऐड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको प्लस वन बाय फोर का होल स्केयर इज इक्वल टू वन बाय फोर का होल स्केयर माइनस टू जो आपका पहले से था ऑलरेडी फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस वन बाय फोर का स्केयर वन और फोर का स्केयर सिक्सटीन माइनस टू एक्स प्लस वन बाय फोर का होल स्केयर इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा सिक्सटी सिक्सटीन को सिक्सटीन से डिवाइड कीजिए वन माइनस सिक्सटीन अब टू बाय वन हो जाएगा वन को सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी टू क्या मिलेगा माइनस के थर्टी वन बाय सिक्सटीन अब स्केयर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो अगर मैं माइनस थर्टी वन बाई सिक्सटीन का स्केयर रूट करूंगा तो मैंने पहले ही बताया था अगर स्केयर रूट में नेगेटिव टर्म्स आ जाए तो उसके रियल रूट्स नहीं होते तो अब इसके क्या आएंगे रियल रूट्स नहीं होंगे तो इसके आगे रूट्स फाइंड आउट नहीं हो पाएंगे तो आप क्या लिखोगे द स्केर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव therefore there is no real roots for the given equation इसलिए इसके कोई भी real roots नहीं होंगे यहाँ इधर ही आप इसको क्या कर देंगे stop कर देंगे तो first question आपका complete हो गया अब second question की तरफ चलेंगे अब देखिए second question क्या है find the roots of the quadratic equation given in question number first above by applying the quadratic formula quadratic formula apply करके आपको क्या निकालने इसके roots निकालने तो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जितने पार्ट थे सभी में तो देखिए फर्स्ट है टू एक्सर माइनस सेवन एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो अब इसको कंपेयर करेंगे हम किससे ए एक्सर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सकेयर कॉफिशियंट एक्स स्केयर से कंपेयर होगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी टू एक्स का कोफिशिएंट बी बी की वैल्यू क्या होगी माइनस सेवन और सी कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगी थ्री आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आप ये चेक भी कर लीजिए क्या ये रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते उसके लिए आप क्या निकालेंगे डी निकालेंगे सबसे पहले डी क्या होता है बी स्केयर माइनस फोर ए सी तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास माइनस सेवन का स्केयर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री तो फोर्टी नाइन माइनस ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर तो क्या आएगा ट्वेंटी फाइव ये क्या आ गया ग्रेटर देन जीरो आ गया तो आप क्या कहेंगे इट्स रूट्स आर एग्जिस्ट फिर उसके बाद आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स इजल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए अब डी की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हैं यहाँ से क्या ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव का स्केयर रूट क्या होगा फाइव हो जाएगा तो सेवन प्लस माइनस फाइव डिवाइडेड फोर तो एक बार प्लस के फाइव ले लेंगे एक बार माइनस के तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी सेवन प्लस फाइव बाई फोर तो इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई फोर क्या मिलेगा आपको थ्री तो x की वैल्यू क्या होगी थ्री तो x इज इक्वल टू सेवन माइनस फाइव बाई फोर तो टू बाई फोर क्या मिलेगा आपको वन बाय टू तो रूट क्वारिटिक इक्वेशन बाय टू ये आपका आंसर हो गया अब सेकेंड है टू एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो कंपेयर करेंगे इसको भी जनरल फॉर्म से ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ए एक्स स्केयर काफिशियंट ए है इधर और उधर कितना है टू तो ए की वैल्यू क्या टू बी की क्या आएगी वन और सी की क्या आएगी माइनस फोर तो सबसे पहले डी निकालेंगे बी स्केयर माइनस फोर ए सी इट मीन्स वन का स्केयर माइनस फोर इंटू टू इंटू माइनस फोर तो क्या मिलेगा वन माइनस माइनस के फोर की माइनस के फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के सिक्सटीन आएगा सिक्सटीन ये टू से करेंगे तो थर्टी टू आ जाएगा तो क्या आ जाएगा थर्टी थ्री आ जाएगा अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए बी की वैल्यू क्या थी वन तो माइनस वन प्लस माइनस अब ये डी की तो बी स्केयर माइनस फोर ए सी आप निकाल ही चुके हैं कितना है थर्टी थ्री तो आप ये थर्टी थ्री डायरेक्ट रख सकते हैं इसमें तो माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ थर्टी थ्री बाई फोर तो एक बार प्लस के और एक बार माइनस के तो क्या मिलेगा आपको एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थर्टी थ्री डिवाइडेड बाई फोर और माइनस वन माइनस रूट थर्टी थ्री डिवाइडेड बाई फोर तो ये दो आपके रिक्वायर्ड रूट्स हो जाएंगे थर्ड वन है फोर एक्स स्केयर प्लस फोर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो कंपेयर करेंगे इसको अभी जनरल फॉर्म से एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ए की वैल्यू हो जाएगी फोर बी की फोर रूट थ्री सी की वैल्यू क्या होगी थ्री डिस्क्रीमेंट डी निकालेंगे बी स्केयर माइनस फोर ए सी बी की वैल्यू क्या है आपके पास फोर रूट थ्री का स्केयर माइनस फोर इंटू फोर इंटू थ्री ये क्या होगा सिक्सटीन इंटू थ्री तो क्या हो जाएगा फोर्टी एट हो जाएगा माइनस फोर इंटू ए क्या था आपके पास फोर ही फोर फोर जा सिक्सटीन और 16 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 48 तो 48 से 48 एट कैंसिल जीरो तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इट मीन या तो d की वैल्यू जीरो के इक्वल हो या ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स कैसे होते हैं रियल तो यहाँ पे d की वैल्यू जीरो आ रही है तो रियल रूट्स आएंगे तो क्वाडिटिक फॉर्मुला यूज कर लीजिए एक्स इज इक्ल टू माइनस पी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी बी की वैल्यू है फोर रूट थ्री तो माइनस फोर रूट थ्री प्लस माइनस ये आपने निकाली दिया जीरो जीरो का स्केयर रूट क्या होगा जीरो तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको माइनस फोर रूट थ्री बाय एट फोर वन जा फोर फोर टू जा एट तो माइनस के रूट थ्री बाय टू और क्या मिल जाएगा माइनस फोर रूट थ्री अपॉन एट दोनों बार यही मिलेगा तो आंसर से मिलेगा माइनस रूट थ्री बाय टू ये आपका आंसर हो जाए फोर्थ वन है टू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ए की वैल्यू टू बी की वन सी की फोर तो डी किसके इक्वल आएगा आपका बी स्केयर माइनस फोर ए सी बी की वैल्यू क्या है वन वन का स्केयर माइनस फोर इंटू टू इंटू फोर वन माइनस फोर फोर जा सिक्सटीन टू जटी टू तो माइनस थर्टी वन डी लेस देन जीरो आ गया सो so द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स आपको फिर ये करने की जरूरत भी नहीं है डी आपने यहाँ पे निकाल दिया आप क्या लिख देंगे डी लेस देन जीरो सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स इसलिए इसके रियल रूट्स नहीं होंगे आपको याद हो तो जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से किया था तब भी आपको यही मिला था तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रूट्स फाइंड आउट करने आपको दी गई इक्वेशन के एक्स माइ फर्स्ट पार्ट है एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री एल क्या आएगा इसमें एक्स अब एक्स के नीचे कुछ नहीं तो वन वन एक्स को वन से डिवाइड करेंगे एक्स एक्स के एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्केयर माइनस एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे वन वन के वन से मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू थ्री तो ये क्या रहेगा एक्स स्केयर माइनस वन एक्स उधर जा क्या जाएगा? 3X आ जाएगा थ्री एक्स आ जाएगा तो आपको क्या मिल गया एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो क्योंकि प्लस के थ्री एक्स है तरह के माइनस के हो जाएगा अब इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वन क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा वन और बी की वैल्यू क्या होगी माइनस थ्री और सी की क्या हो जाएगी माइनस वन अब फिर डी निकालिया बी स्केयर माइनस फोर ए सी बी की वैल्यू क्या माइनस थ्री का स्केयर हो जाएगा माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन तो नाइन प्लस फोर हो जाएगा ये तो नाइन प्लस फोर कितना आ जाएगा आपके पास थर्टीन तो आपकी इसके रूट्स क्या हो जाएंगे एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस रूट थर्टीन बाय टू क्योंकि फिर उसके बाद आप क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं थर्टीन और बी की वैल्यू क्या माइनस थ्री माइनस इंटू में माइनस थ्री क्या आएगा प्लस के थ्री तो थ्री प्लस माइनस रूट ऑफ थर्टीन डिवाइडेड बाय टू तो एक्स की वैल्यू क्या होगी थ्री प्लस रूट थर्टीन बाय टू और थ्री माइनस रूट थर्टीन बाय टू ये फर्स्ट पार्ट हो गया थर्ड थर्ड का आपका थर्ड का सेकेंड पार्ट देख लीजिए वन अपॉन एक्स प्लस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस सेवन इज टू इलेवन थर्टी लीजिए क्या एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन अब एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन को एक्स प्लस फोर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन की वन से मल्टीप्लाई कीजिए क्या मिलेगा एक्स माइनस सेवन अब एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन को अब डिवाइड करेंगे एक्स माइनस सेवन से तो क्या मिलेगा एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस फोर और बाहर माइनस का साइन अब अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस सेवन माइनस एक्स माइनस फोर एक्स से एक्स कैंसिल एक प्लस का एक्स और एक माइनस का तो क्या रहेगा माइनस के सेवन और माइनस के फोर सेम साइन हमेशा ऐड और साइन सेम रहेगा तो माइनस के इलेवन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन इक्वल टू इलेवन बाय थर्टी इलेवन से इलेवन कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ये क्या X 4 7, हो जाएगा एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन क्योंकि वन से मल्टीप्लाई होगा और माइनस वन से थर्टी मल्टीप्लाई होगा माइनस थर्टी प्रोडक्ट कीजिए इसकी एक्स के एक्स से करेंगे तो हम एक्स केयर मिलेगा एक्स के सेवन से करेंगे माइनस सेवन एक्स आ जाएगा फोर की एक्स से करोगे तो प्लस के फोर एक्स और फोर के माइनस सेवन से करेंगे तो माइनस के ट्वेंटी एट तो क्या मिलेगा एक्स केयर माइनस थ्री एक्स और वो माइनस के माइनस ट्वेंटी एट इज इक्ल टू माइनस थर्टी इधर आपके प्लस के थर्टी हो जाएगा तो क्या रहेगा आपके पास एक्स केयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो अब आप इसको या तो डिस्क्रिमेंट मेथड से कर सकते हैं या आप फैक्टराइजेशन से क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया वो आपको किससे करना है तो आपने तीन मेथड पढ़े हैं रूट्स फाइंड आउट करने के फर्स्ट आपने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने 4.2 एक्सरसाइज में पढ़ा दूसरा हमने पढ़ा कंप्लीटिंग स्केयर मेथड और थर्ड वन आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड आप तीनों में से किसी भी मेथड से रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर आपका सेम मिलेगा तो इसने यहाँ पे फैक्टराइजेशन से किया तो फैक्टराइजेशन से कर लीजिए आप या से wish. तो, तो के से मल्टीप्लाई टू एक्सर अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना मल्टीप्लाई करें तो टू एक्सर आए और ऐड करें तो माइनस के थ्री एक्स तो क्या मिलेगा एक्स केयर माइनस टू एक्स माइनस एक्स टू वन जो टू और टू और वन क्या होगा थ्री प्लस टू इज इक्वल टू तो जीरो अब इनमें से एक्स कॉमन क्या रहेगा एक्स माइनस टू फिर माइनस वन कॉमन अंदर के साइन चेंज एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो अब x माइनस टू कॉमन इंटू में एक्स माइनस वन इजल टू जीरो तो आइधर एक्स माइनस टू इजल टू जीरो तो x की वैल्यू टू और x माइनस वन इजल टू जीरो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी वन तो ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है तो आज हम इसके थर्ड क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी बच्चे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पी के सर थैंक यू